तो करने फिर से कैसे इसको भी करना ना, रिफ्रेश कैसे किया जाता है बताओ जरा। कौन सा बैच है? तीसरा बैच है, तीसरा चौथा दोनों हो ना, तो थर्ड बैच डेटाबेस कहाँ पे, ये वाला ना, देखते हैं। ये है हमारा एप्लीकेशन, राइट, चलो देखते हैं। बता यार, मैं 2.5-3 महीने से कॉपियां पेस्ट करना सिखा रहा हूँ। फिर वही डायलॉग मैं नहीं मारूंगा, ठीक है? इंसान हो या हथियार, काम तो भी करता है जब तक कि जंग न लगा हो, ठीक है? बिल्कुल सही, आतंकवाद को कभी प्यार नहीं हो सकता। नहीं होता तो है अपने मकसद से, लेकिन वो किसी, छोड़ो ना हटाओ, काई को जाने का उस मैटर में। तो कुछ ऐसा इंटरफेस हमने पिछले कितने दिन में, अच्छा कल ही बनाया था ये सबको। चलो देखते हैं काम करता है कि नहीं, सब कुछ काम कर रहा है। देखता हूँ सुमित आता है कि नहीं, आ गया। अमित देखता हूँ कि आता है कि नहीं। पता है अमित नाम का आदमी जो है ना, बहुत फ्रॉड आदमी था, सच में बहुत फ्रॉड था। ये देखो टेक शॉर्ट आउट हो रहा है ना। चलो तो अच्छा मुझे बताओ ना, यहीं पे नेविगेशन का कोड लिख दूं या फिर अलग से? आईडी का नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे यहीं पे टेक्स्ट बॉक्स बना देता हूँ और नेविगेशन का यहीं कोड लिख देता हूँ, चलेगा आपको? नहीं चलेगा, अलग पूरा बनाऊं? पब्लिक डिमांड बना लेने का। तो मैं डेटा टेबल का कोड कॉपी पेस्ट मार लूं कि वो भी नहीं मारूं? वो भी नहीं करूं? चलो इस प्रोजेक्ट में एक तो नया फॉर्म ऐड कर लेता हूं, ठीक है? काहे का थैंक यू यार। ठीक है, अच्छा आपको देखना है ना कि इसी फॉर्म पे नेविगेशन बार कैसे ऐड करके बनाएंगे। तो इससे पहले जो फर्स्ट और सेकंड बैच को बताया ना, वो वाला रिकॉर्डिंग आप देख लेना, ठीक है? उसमें ऐसे ही बताया हूं और इसमें अलग बता रहा हूं, ठीक? चलो तो डेटा नेविगेशन, स्पेलिंग सही है? क्या बात है, तब तो मुझे भी अंग्रेजी आता है यार। ये हो गया, और कुछ टेक्स्ट बॉक्सेस ले लेता हूं मैं, ठीक है? तो कैसे लेने का वो दिखा दे रहा हूँ, कैसे लेने का, ऐसे, ठीक है? बचपन से करते आ रहे हो यही वाला चीज खाली, ठीक है? तो उम्मीद है कि सबको आइए गया होगा, और जिसको नहीं आया होगा ना वो आया नहीं फिर क्लासेस, नहीं आया होगा इसलिए नहीं आया, नहीं आया ना रिकॉर्डिंग, भाई देख लेना मन करे तो, नहीं तो फिर जबरदस्ती तो है ये नहीं है, ठीक है? बटन वटन भी ले लूं, ले लेता हूं, डिजाइन पहले कर लेते हैं फिर कोड लिखना शुरू कर देंगे, ठीक है? तो 1, 2, 3, 4 क्लियर, इसको थोड़ा सा किनारे कर देने का, पता है इंस्टीट्यूट वगैरह में इस तरह से प्रोजेक्ट डेवलपमेंट नहीं बताते। मेरा टीचर, मैं अपने प्रिंसिपल सर से बात किया तो सीधा कह देते हैं क्यों सिखाऊंगा मैं, तो क्यों का जवाब सोचा कि दे दूं, लेकिन फिर सोचा बुरा लगेगा तो छोड़ दो। तो नाम बदल लेने का, यहां से नाम कैसे, मुझे कीबोर्ड में ना, चलो छोड़ो हटाओ, थोड़े देर अंधेले में ही काम चलाते हैं। FIRST, राइट, क्या स्पेलिंग भी, फर्स्ट, इसे फर्स्ट रिकॉर्ड आएगा, ठीक है? मैं नाम भी बदल लेता हूं ताकि डबल क्लिक मारूं ना, FIRST फर्स्ट बटन, ठीक? इस पर इसको क्या कर लूं, नेक्स्ट बटन, ठीक है? NEXT नेक्स्ट बटन, राइट। अब यहां पे आते हैं, अच्छा इसका टेक्स्ट प्रॉपर्टी नहीं बदला ना, बदल देता हूं,
NEXT ठीक है, ये वाला साइन नेक्स्ट में होगा क्या? चलो दे दे रहा हूं मैं, थोड़ा ज्यादा बढ़िया दिखे, उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ब्यूटीफुल, ठीक है, तो भाई ब्यूटीफुल थोड़ा दिखना चाहिए। अच्छा प्रीवियस में ऐसे कर दूं, अच्छा प्रीवियस की स्पेलिंग जरा बताओ, पता नहीं, नो प्रॉब्लम, यहां से देख लेंगे। क्या बात है, हो गया स्पेलिंग सही है ना प्रीवियस का? गलती ये होगा तो मेरा बिगड़ेगा क्या? काम तो करेगा ही मेरा बटन, ठीक। अब यहां पे आते हैं, बटन थ्री को भी कर देता हूं प्रीवियस बटन, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि ओ वन वैलिड राइट, कंट्रोल वी और फिर यहां पे आई से, अब इसको कर देता हूं लास्ट, ठीक है, एल ए एस टी लास्ट बटन हो गया। एल ए एस टी तो यहां पे, अच्छा यहां इसका भी नाम बदलने पड़ेगा ना, बदल देता हूं तो नेम नेम, ठीक है, और फिर यहां पे दे देता हूं मैं क्लास। तो डेटा टेबल डिजाइन कर लेते हैं हम लोग पहले, तो डेटा टेबल पहले से बना बनाया है, मैं कॉपी पेस्ट कर लूं या बना दूं? ओ बनाने ही पड़ेंगे, चलो क्या कर सकते हैं, प्रजातंत्र राज्य है ना, क्यों प्रजातंत्र है, बनाने पड़ेंगे। तो मैं एक ठो सब रूटिंग बना लेता हूं, ठीक है, फंक्शन बना लेता हूं, सब रूटिंग नहीं बनाते, ठीक है। तो डेटा टेबल, ठीक है, एज डेटा टेबल एंटर, ठीक है, यहां पे डीम डीटी एज न्यू डीटी एज न्यू डेटा डेटा टेबल, ये क्या मैं लिखा, क्लियर। अब फंक्शंस का नेचर ये है विजुअल बेसिक में कि वो रिटर्न करेगा ही करेगा, ठीक है, फंक्शंस का रिटर्न टाइप होता है, नेसेसरी है, सब रूटिंग का नहीं होता, ये सिर्फ कानून है .NET का, सी शार्प में ऐसा नहीं होता, राइट। और मुझे उसी का कोड ट्रांसलेट करके इसमें लिखना पड़ता है, लाइट कट गया, दिखाई तो देख दिया है ना, dt डॉट, अब कॉलम ऐड कर लें, कॉलम फिर इसमें डाल देता हूं मैं, पहला कॉलम होगा आईडी का, ठीक है, और इसका टाइप होगा गेट टाइप कर लेता हूं मैं, अरे नहीं 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 नहीं, ऐड मेथड तो चलाने पड़ेंगे ना, चलो आईडी कॉमा गेट टाइप सी शार्प में टाइप ऑफ दे देते हैं, तो यहां पे क्या कर दूं ना, इंटीजर, ठीक है, इसी को हम कॉपी पेस्ट कर देता हूं, ठीक है, तो ऐसे हो जाता है ये, ठीक है, नमवा को भी बदलिए देने होंगे, लेकिन मैं छोड़ दो ऐसे ही कर देता हूं, फालतू कोई और तरीका अपनाऊंगा तो कंफ्यूजन बढ़ेगा, तो बोलना फालतू के भाषण देखे गए हैं। अब क्या कर दूं, डेटा डेटा कॉलम हो गया ना, डेटा रो बना दूं, डॉट रो डॉट ऐड, ठीक है, तो पहला रो ऐड कर देता हूं वन, फिर तो नाम हम कुछ बताओ यार, अमित लिख दूं, चलो अमित ही लिख दे रहा हूं, क्लास बताओ कुछ लिख देता हूं, डीसीए पीजी डीसीए, ठीक है, डीसीए, अब तो लिख ही नहीं सकता मैं बार भी, इसी को हम कॉपी पेस्ट, हमें तो आता है यार कॉपी पेस्ट करना, बढ़िया तरीके सीखे हैं अमित के बाद, कुछ और नाम बताओ, राजेश लिख दूं, चलो
राजेश इसका डिग्री वगैरह बताओ। PGDCA। ठीक है चलो तीसरा नाम भी बताइए दो। देवबली। देवबली ठीक है देवबली हो गया। देवबली का वो क्या है क्लास डीसीए ही है। चलो परफेक्ट दो चार लोगों का और ऐड कर दूं। नहीं करता हूं छोड़ो। अब क्या करने का रिटर्न करा दिया हूं ठीक है क्लियर। चलिए अब यहां पे आता हूं लोड इवेंट पे। एक ठो डेटा टेबल में क्लास लेवल पे बना लेता हूं डीटी एज न्यू डेटा टेबल राइट। अब क्या करेंगे ना हम कि डीटी इक्वल टू वेट क्या नाम रखा हूं मैं डेटा टेबल इसी मेथड को कॉल कर लेता हूं मैं यहां पे ठीक है। आ गया डेटा टेबल इसमें। अब मैं क्या करूंगा ना कि ये जो टेक्स्ट बॉक्स है ना इनके साथ डेटा को बाइंडिंग करूंगा मैं राइट। तो कैसे बाइंडिंग होता है आप देख लो टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट डेटा बाइंडिंग प्रॉपर्टी ले लूंगा डॉट ऐड कर लूंगा ऐसे और फिर यहां पे दे दूंगा टेक्स्ट कॉमा फिर बोल रहा है ऑब्जेक्ट बताओ डेटा सोर्स एज ऑब्जेक्ट तो मैं डेटा टेबल को दे देता हूं राइट। फिर क्या कर लूंगा यहां पे बोल रहा है डेटा मेंबर का नाम बताओ यहां पे नेम क्लास और आईडी किए थे ना मैं बोल देता हूं कि नेम ठीक है नेम कर दिया बन गया। इसी को कॉपी और पेस्ट कर देता हूं मैं ठीक है। कॉपी पेस्ट करना बुरा चीज नहीं है पर आंख खुले होने चाहिए तो आंख खुले होगा तो आप कोड बिल्कुल परफेक्ट लिखोगे। ये हो गया रन कर देते हैं डेटा दिखाई देने चाहिए नहीं देखा तो जुगाड़ देखेंगे। ये क्या होगा ओ पुराने रिकॉर्ड आ रहे हैं ठीक है पुराना वाला। तो मैं ये चाह रहा हूं ना यहाँ पे देख लो दो प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट में दो फॉर्म है ठीक है। तो मैं अब ये चाह रहा हूं ना कि ये वाला जो डेटा नेविगेशन फॉर्म है ये वाला बाय डिफॉल्ट ओपन हो ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा ना राइट क्लिक करने के बाद सी शार्प में तो एक रहता था उसी से कर देते थे न्यू करके यहां पे फॉर्म वन यहां से आप सेलेक्ट कर लो ठीक है। स्टार्ट ऑफ फॉर्म का आएगा ठीक है विजुअल बेसिक में ऐसे होता है ठीक। अब मैं कर देता हूं रन ठीक है। चलो आ गया अमित सच में पहले में है क्या अच्छा हाँ पहला में ही है क्लियर। अब बाइंडिंग हो गया टेक्स्ट बॉक्स के साथ डेटा ठीक है। अब हम फर्स्ट का कोड लिखते हैं ठीक है। तो फर्स्ट का कोड कैसे लिखा जाएगा वो बता दे रहा हूं आप ध्यान से देख लो और फिर इम्प्लीमेंट कर लेना ठीक है। और नहीं होता इम्प्लीमेंटेशन तो फिर पूछ लेना फिर भी नहीं होता तो फिर रिकॉर्डिंग तो है ही है मैं ना रहूं तो फिर ठीक है। तो अब क्या करूंगा ना मैं एक तो डेटा रो में एक वेरिएबल बना लेता हूं ठीक है। तो यहां पे सीधा वेरिएबल बनाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ऊपर मैंने क्यों बनाया ठीक है। तो डीम मैं शॉर्टकट मार देता हूं dir इक्वल टू डीटी मतलब डेटा टेबल डॉट रोज जो थ्योरी में बताया था वही वाला रोज। फिर बोल रहा है कि क्या दो इंडेक्स एज इंटीजर तो मैं दे देता हूं जीरो ठीक है। अब ये डेटा रो टाइप का वेरिएबल्स बन जाएगा ठीक है ठीक। और इसमें हम क्या करेंगे बता रहा हूं इसी को कॉपी पेस्ट करेंगे लेकिन मैं नहीं कर रहा हूं अभी। इसमें टीएक्सटी टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट इक्वल टू डीआर ले लू ना डीआर डॉट डॉट नहीं यहां पे सिंपल दे दूंगा मैं। ये बोल रहा है कि कॉलम का इंडेक्स दे दो या तो स्ट्रिंग टाइप में नेम दे दो ठीक है। क्लियर मैं स्ट्रिंग टाइप में नेम ही दे देता हूं यहां पे ठीक है नेम ऐसे क्लियर ए ले लो हो गया। यहां पे ट्रू कर दो ना ट्रू कर देता हूं यहां पे क्लास कर देता हूं। अच्छा आप चाहो ना तो इसके जगह पे वन दे दो इसके जगह पे टू दे दो क्यों क्योंकि जीरो नंबर इंडेक्स पे आईडी है ठीक है। फिर
वन नंबर इंडेक्स पे नेम है, टू नंबर इंडेक्स पे क्लास है, ये बिल्कुल परफेक्ट चलेगा, अभी कोई दिक्कत नहीं आएंगे इसमें। फर्स्ट नेम कर रहा हूं तो कोई एरर नहीं है ना। यहां पे कर दूंगा वन, यहां पे कर दूंगा टू, तो भी दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि इंडेक्स मांगता है, इंडेक्स हम दे देंगे ऐसे, तो भी ये चलेंगे परफेक्ट, चल रहा है ना, ये दे एरर नहीं आ रहा है। लेकिन हम यहाँ पे क्या दे देंगे, नेम ही मैं दे देता हूँ ताकि क्लियरिटी आए, ठीक है ना, हो गया। चलिए ये तो फर्स्ट वाला का कोड लिख लिए हम, ठीक है, अब हमें कोड किस में लिखना है, लास्ट में, ठीक है। ये लास्ट बिटियन क्यों हो गया, प्रॉपर्टी में बदलते हैं इसके, इसी को कॉपी पेस्ट मार लो। तो डेटा रो डॉट काउंट वाला चीज तो आपको बताइए दिया हूं, तो मैं एक्सप्लेन ना करने के बजाय इसमें सीधा डाल देता हूं, डेटा डेटा टेबल, ठीक है, डॉट रो को काउंट करो, फिर डॉट रो काउंट माइनस वन दे देता हूं। माइनस वन क्यों है यहां पे तो बता ही दिया आपको, ठीक है, मतलब ये कि अभी मैंने तीन ठो है ना, यहां पे देखो तीन ठो रो है ना, तो काउंट प्रॉपर्टी में बाय डिफॉल्ट काउंट प्रॉपर्टी में थ्री आएगा, लेकिन जो हमारा डेटा टेबल है ना, यहाँ पे जीरो से काउंट, यहाँ पे जीरो वन टू लेता है यहाँ पे, ठीक है, क्लियर। तो फिर जीरो से काउंटिंग करूंगा तो कितना होगा, ये वाला होगा जीरो, ये वाला होगा वन, ये वाला होगा टू, ठीक है। लेकिन जो प्रॉपर्टी है ना, काउंट प्रॉपर्टी, ये क्या करता है, वन से काउंटिंग करता है, ठीक। तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे, काउंट माइनस वन, जब वन से काउंट करेगा थ्रू तो थ्री तक आ जाएगा, तो थ्री में माइनस वन करेंगे तो टू आ जाएगा, तो परफेक्ट है। अगर इसमें थोड़ा सा क्लियरिटी नहीं आया होगा तो आप थ्योरी में तो बता ही दिया हूं, उसका रिकॉर्डिंग देख लेना फर्स्ट बैच का, क्योंकि उसमें ग्रिड व्यू कंट्रोल था तो मुझे थोड़ा आसान हुआ था एक्सप्लेनेशन में, ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा था किसी फॉर्म में कर दूं, पर आपने बोला कि नया ले लूं, पर इसमें भी थ्योरी में तो पूरा बता ही दिया हूं, दिक्कत आएगा नहीं, ठीक है। चलिए तो फर्स्ट में तो फर्स्ट है, ये है, लास्ट में क्लिक करूंगा तो लास्ट वाला आना चाहिए, आ गया देवबल्ली, ठीक है, अब फर्स्ट करूं फर्स्ट आ गया, आ रहा है ना। चलिए तो अब क्या कोड लिखने का है हमें, नेक्स्ट के लिए लिख दें। चलिए तो बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि बहुत जो है, ठीक है, मैं पहले तो बना लेता हूं ऊपर एक तो वेरिएबल्स, ठीक है, ये वाला जो डेटा रो है ना, मुझे यहां पे भी एक्सेस करना है, ठीक है, पर यहां पे एक्सेसेबल नहीं है, एक्सेसेबल बनाने के लिए मैं क्या करूंगा ना, इसको सेम कॉपी कर लूंगा, ठीक है, और फिर डीम को हटा दिया जाओ, ठीक है, और यहां पे आके पेस्ट कर दिया, फिर इंटीजर टाइप एक्टो वेरिएबल्स बना लेता हूं, ठीक है, डीम आई एज इंटीजर, ठीक है, इसको बाय डिफॉल्ट वैल्यू जीरो दे दिया मैं, ठीक है, हो गया। अब मैं क्या काम करूंगा ना, कि सबसे पहले तो इसी को मैं कॉपी कर ले रहा हूं, कॉपी करूंगा तो कंफ्यूजन नहीं आएगा ना। चलिए लेकिन यहां पे हमें देना है क्या, इंडेक्स का पोजीशन, तो मैं ऊपर आपको थ्योरी में बताया कि वेरिएबल में पहले जीरो होगा तो फिर वन होगा, टू होगा, थ्री होगा, ऐसे बताया था ना। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, क्या कर दूं सोच लेता हूं, यहां पे पास कर दूंगा सीधा आई, ठीक है, लेकिन इससे पहले क्या करूंगा, आई इक्वल टू आई प्लस वन कर देता हूं, तो यहां पे क्या करेगा, प्लस वन करते जाएगा ना, तो जब प्लस वन करते जाएगा तो फिर क्या होगा, एक एक इंडेक्स यहां पे बढ़ेगा, पहले जीरो था तो जीरो में वन आया, तो यहां पे पहला नंबर का इंडेक्स आ जाए, पहला सेकंड नंबर का आ जाएगा रो, ठीक है, फिर यहां पे वन में टू जोड़ देगा, ठीक है, टू में वन जोड़ देगा क्योंकि टू पहले था, फिर वन आ जाएगा, फिर तो थ्री हो जाएगा, तो फिर थ्री में वन जोड़ देगा, तो वैसे ही जोड़ता जाएगा और इसमें आ जाएगा, ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट में इंक्रीमेंट ऑपरेटर में बता ही दिया हूं, ठीक है। देखते हैं काम कैसे करता है ये। अमित नेक्स्ट किया, राजेश
नेक्स्ट किया देवबल्ली, आ गया ना। अब नेक्स्ट मारा तो आ गया एरर, क्योंकि थर्ड नंबर पोजीशन पे, आजा भाई जल्दी से, आ गया, क्योंकि थर्ड नंबर पे कुछ है नहीं, क्योंकि हमारा तो तीन ही रो है जिसको ये जीरो से काउंटिंग करता है, तो जीरो से टू ही तक हुआ ना, थर्ड तक तो हुआ नहीं। तो यहां पे कंडीशन हम देंगे, अब क्या कंडीशन देंगे कि अगर I ग्रेटर देन किससे हो रहा है, तो डी टी डॉट काउंट, नहीं नहीं रो, रो डॉट काउंट, ठीक है, काउंट माइनस वन, इसको डाल देता हूं मैं इसके अंदर, ठीक है ऐसे। अब मैं ये कह रहा हूं ना, इसको कर देता हूं लेस देन, ठीक है, कि आई अगर लेस देन है, ठीक है, डेटा डॉट रो डॉट काउंट से, काउंट माइनस वन से अगर लेस देन है तो क्या करो, एक कोड चला दो, तो चला देगा। लेकिन इसका ड्रॉबैक ये है ना कि देवबल्ली तक आके रुक गया, लेकिन हमें तो फिर से ले जाना है ऊपर वाले में, ठीक है, तो क्या करेंगे, एल्स ब्लॉक में लिखेंगे कोड, हम एल्स में आया। अब मैं क्या करूंगा ना कि आई को सीधा कर दूंगा जीरो, ठीक है, और फिर सेम कोड को कर दूंगा कॉपी और यहां पे पेस्ट, पेस्ट कर दिया, हो गया ना। अब चलना तो चाहिए मेरे लॉजिक के हिसाब से, हेलो चलने लगा, परफेक्ट। लेकिन एक चीज ध्यान देना ना, ये दो लाइन जो है ना, ऊपर भी है नीचे भी है, तो इसको मैं कट करता हूं, ठीक है, इसको भी मैं डिलीट मारता हूं और इसको लिख देता हूं इसके अंदर। आप फंक्शंस वगैरह भी बना सकते हो इसका, ठीक है, मैं नहीं बना रहा हूं, ठीक है, बना दूंगा तो कंफ्यूजन डबल ट्रिपल हो जाएगा और फिर ज्यादा बताने के चक्कर में हो सकता है ये भी गया। तो अब देखते हैं कोड परफेक्ट काम करता है कि नहीं, तो काम कर रहा है ना, ये लो क्लियर। प्रीवियस के लिए भी कोड लिखे हैं, चलो लिख देते हैं, तो डबल क्लिक मारता हूं प्रीवियस वाले में, ठीक है। अब यहां पे भी कोड वैसे लिखने होंगे, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करूंगा ना, आई इक्वल टू आई माइनस वन, एक एक माइनस करता जाऊंगा तो पीछे आएगा, ठीक, और फिर यही सेम कोड मैं कर लेता हूं मैं कॉपी और यहां पे भी कर देता हूं पेस्ट, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि आप मेथड बना लो, क्योंकि कॉपी पेस्ट हो रहा है ना, पर मैं बना नहीं रहा हूं, देखेंगे आगे, या फिर आप प्रोग्राम जब प्रैक्टिस करोगे ना तो आप मेथड बना के एक्सपेरिमेंट कर लोगे, ठीक है, एरर आया तो फिर बताना, ठीक है। अब मैं करता हूं रन, ठीक है, रन किया, नेक्स्ट पे आ गया राजेश, आ गया फिर आ गया देवबल्ली, ठीक है। अब मैं प्रीवियस पे क्लिक करता हूं तो राजेश आने चाहिए, अब प्रीवियस पे क्लिक करो तो अमित आएगा, फिर प्रीवियस पे क्लिक करो तो एरर आएगा, क्योंकि माइनस इंडेक्स पोजिशन पे तो कुछ नहीं है, ठीक है, यहां पे भी कंडीशन देना पड़ेगा, ठीक है। इफ, फिर क्या कंडीशन दे दूंगा कि आई जो है ना ग्रेटर देन जीरो कर दूं क्या, अगर आई ग्रेटर देन जीरो है ना तो क्या करो, इस कोड को चलाते रहो, देखते हैं एरर आएगा तो फिर टेकल करेंगे। तो काम नहीं करेगा, आते हैं इसमें, इसमें आ गया, अब क्लिक मारा राजेश आया, फिर क्लिक मारा अमित आया, फिर क्लिक मारा तो एरर नहीं आ रहा है, मतलब काम करेगा अभी, ठीक है। फिर यहां पे आया, फिर एल्स में आते हैं और फिर क्या करूंगा, आई का वैल्यू को कर दूंगा क्या, लास्ट रो का जो वैल्यू है, मतलब लास्ट रो का जो इंडेक्स पोजीशन है, ठीक है, डी टी डॉट रो डॉट काउंट माइनस वन, ठीक है, माइनस वन कर दूंगा मैं काउंटिंग करके, ठीक है। और फिर क्या करूंगा, इसी को कॉपी पेस्ट वाला हालत है, इसको सीधा मैं कट करके ले लाता हूं नीचे ही, बार बार एक्सपेरिमेंट करके कुछ फायदा नहीं है टाइम पास करके, ऐसे क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पे क्लिक मारा राजेश आया, फिर नेक्स्ट पे क्लिक किया देवबल्ली आ गया, फिर प्रीवियस पे क्लिक किया तो राजेश आया, फिर अमित आया, फिर क्लिक मारो तो देवबल्ली आएगा, मतलब एक कोड अब बराबर परफेक्ट पूरा काम कर रहा है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है।
तो एक बार पूरा फिर से देख लें। सबसे पहला वेरिएबल्स बना लिया मैं यहाँ पे, ठीक है, और फिर यहाँ पे डेटा को बाइंड कर लिया, मतलब जोड़ देना, लिंक कर देना, मैप कर देना, ठीक है। तो टेक्स्ट बॉक्स के साथ मैं डेटा टेबल को मैप कर दिया, लिंक कर दिया इसके साथ, ठीक है। और ये जो डेटा टेबल नाम का फंक्शन है, ठीक है, ये रिटर्न कर दिया मुझे डेटा टेबल, जो कि ये वाला है, ठीक है, ये वाला टोटल मेथड है यहाँ पे, ठीक है। और फिर क्या हुआ, फर्स्ट बटन पे हमने ये कोड लिखा, ठीक है। तो फर्स्ट बटन पे मुझे पहला चाहिए था, ठीक है, तो data.datatable.row का पहला ये जीरो पोजीशन का दे दिया, तो इसमें पहला आ गया। तो फिर dr के बाद यहाँ पे कॉलम का नेम पास कर दिया हूं, तो फर्स्ट वाला आ गया, ठीक है। और फिर लास्ट वाला लाना था, तो क्या किया मैं, डेटा टेबल के रो प्रॉपर्टी को क्या दे दिया, आखिरी वाले रो का क्या दे दिया, इंडेक्स दे दिया, और फिर उस रो का यहाँ पे एक डेटा ले लिया, ठीक है। फिर नीचे आ जाते हैं, नेक्स्ट बटन पे हमने क्या किया कि काउंट पहले चेक करो कि आई जो है ना टोटल रो से छोटा है कि नहीं, ठीक है। अगर तो छोटा है तो क्या करो, उसमें एक एक जोड़ते जाओ, ठीक है, एक जोड़ दो, तो एक जोड़ेगा तो फिर आ जाएगा यहां, तो फिर ये चलेगा, फिर यहां से क्लिक मारूंगा तो फिर चेक करेगा कंडीशन की छोटा है कि नहीं, तो छोटा है तो फिर इसको जोड़ देगा एक, उसमें पहले मान लो एक था तो फिर दो हो जाएगा, फिर दो था तो फिर तीन हो जाएगा, तो यहां पे क्या एक दो तीन चार तो आता रहेगा ना इसमें, क्लियर। तो फिर जब एक दो तीन चार आता रहेगा तो एक दो तीन चार क्या है, रो का इंडेक्स पोजिशन है, तो पहला बार में पहला रो, दूसरे बार में दूसरा रो, और फिर इसमें जाता रहेगा। मान लो data.row.count से ज्यादा हो गया, ठीक है, तो क्या करेगा, ये सीधा आ जाएगा else ब्लॉक में, और फिर इसको क्या कर देगा जीरो, तो जीरो करेगा तो फिर इसमें पहला पोजीशन का आ जाएगा, क्योंकि आई में आ जाएगा जीरो, तो फिर पहला आ जाएगा रो, फिर पहला रो आएगा तो फिर यहाँ पे आएगा, तो फिर वही घूमता रहेगा वैसे ही, ठीक है। वैसा ही इसमें भी किया हूं मैं कि अगर आई जो है जीरो से बड़ा है तो क्या करो, एक एक माइनस करते रहो, ठीक है, और माइनस करके यहाँ पे आ जाओ और फिर दिखाते रहो, ठीक है। और फिर अगर मान लो कि आई जीरो से बड़ा नहीं है, मतलब कि जीरो के बराबर हो गया, ठीक है, या फिर जीरो, हाँ जीरो के बराबर हो गया, ठीक है, तो फिर ये वाला चला दो, इसमें चलेगा तो क्या होगा, आई इक्वल टू data.row.count-1, मतलब टोटल रो का संख्या कितना है दे दो इसको, और फिर जब इसको मिलेगा तो यहाँ पे लास्ट रो पे पहुंचेगा, फिर लास्ट रो से आ जाएगा पहले रो तक आएगा, फिर लास्ट रो से पहले रो तक आएगा, यही इसमें चल रहा है, इसमें भी यही चल रहा है, पहले से ये जाएगा लास्ट रो तक, फिर पहले से जाएगा लास्ट रो तक, तो इसमें मुझे नहीं लगता ये कंफ्यूजन होने चाहिए। कोई दिक्कत हो तो बताओ, या फिर वीडियो बंद कर दूं? हाँ इसको तो बंद ही कर दूंगा, फोटो खींचोगे तो खींच लो, कैसे यही है टोटल, खींच लो फोटो, रुक जाना रिकॉर्डिंग बंद कर लेता हूँ, किसी को कोई दिक्कत तो है नहीं, लेकिन रुक जा...